Assalamualaikum. Welcome to the Medics Prep Point. Don't forget to like and subscribe to get more such videos. So let's get started with today's topic, that is about the logical problems. ठीक है, इसको हम करते हैं सॉल्व विद हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स. तो पहली एग्जाम्पल एक जो सम ऑफ फाइव प्राइम नंबर्स, हमने सम करना है, मतलब एडअप हमने करना है प्राइम नंबर, मतलब 2, 3, 5, 7 and 11, ये प्राइम नंबर्स होते हैं, वन प्राइम नंबर नहीं होता, याद रखना है. प्राइम नंबर्स हमने कोई भी पाँच लेने हैं, उनको हमने क्या करना है, प्लस करना है, तो उनका आंसर हमारे पास आना चाहिए इवन. आ गया, उसके बाद हमने क्या करना है, द स्मॉलेस्ट ऑफ द नंबर्स, जिनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जो हमने पाँच नंबर सेलेक्ट किए थे. हमने लेते हैं प्राइम नंबर, शुरू से स्टार्ट कर दिए हैं 2, 3, 5, 7, 11, इनको हमने ऐड किया, पाँच नंबर्स लिए, पाँच प्राइम नंबर्स इनको ऐड किया, आंसर इनका आ जाता है 28, दैट इज़ लकली ईवन. ठीक है, तो अब हमने इसमें बताना है कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा, दैट इज़ 2. तो ऑफकोर्स ये क्या होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा. उसके बाद हम देख लेते हैं एक और तरह का एमसीक्यूज, इफ़ लाइक जिसमें अल्जेब्रिक सम्स वगैरह या रूल्स इन्वॉल्व होते हैं ना, इस तरह के. तो क्या होगा, ए की उन्होंने वैल्यू दी, ए इज इक्वल टू 0.1, विच वन, जो हमने बताया डिक्रीजिंग ऑर्डर होना है. तो इसमें हम देखते हैं कि हमें तीन तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, एक हमारे पास ए है, मतलब अल्जेब्रिक टाइप फॉर्मूलाज, और एक ए स्क्वायर है, एक अंडर रूट ए है. हमने यहाँ पे तीनों को ले लेना है और क्या करना है, इसके अंदर हमने जस्ट इसकी वैल्यू ए की पुट करते जाना है, हमारे पास तीन आंसर्स आ जाएंगे. लाइक ए 0.1, ये तो यही रहेगा, ए का स्क्वायर हम ले लेंगे 0.1 वैल्यू पुट करके, आप इसका हमने अंडर रूट ले लेना है. अब उन्होंने हमसे क्या पूछा है, ये तो हमने कर लिया, इसको हमने करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हमने इसे अरेंज करना है. डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब पहले वाला सबसे ज़्यादा, उससे कम और फिर उससे कम. हमने देखा कि जो हमारा यहाँ पे अंडर ए एस की वैल्यू 0.3 सबसे ज़्यादा है, उससे कम 0.1 मतलब ए की है, और सबसे कम हमारे पास है ए स्क्वायर की. तो इस हिसाब से जो हमारा ये वाला आंसर है, ये हमारा परफेक्ट बन रहा है. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उन्होंने कहा है 6 hours आर विद पार्ट ऑफ 2 days. 6 hours हमने बताना है, 2 days का कितना मतलब पार्ट है, कौन सा पार्ट है इसका. एक दिन में क्या होते हैं, मतलब 24 घंटे, लेकिन हमने इसे अकॉर्डिंग टू 6 hours करना है, मतलब कितने 6 घंटे बनेंगे एक दिन में, मतलब 1, 2, 3, 4, मतलब कितने होंगे, 6, 6, 12, और ये भी 6, 6, 12, तो 24 कितने हो गए, 24 hours, मतलब 4, 6 होंगे ना, तो फिर हमारे पास 1, 24 बनेगा, एक दिन बनेगा. तो मतलब हमारे पास 1 day में 4, 6 hours होते हैं. तो 2 days के लिए हम क्या करेंगे, 2 को दोनों साइड्स में जो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 days में हमारे पास 4 to 8 कितने हो जाएंगे, हमारे पास 8, 6 hours हो जाएंगे. तो क्या है हमारे पास 8th इसका आंसर, ठीक है ना, 6 hours जो है आर बट बट 8th पार्ट है ये हमारे 2 days का, जो 6 hours है. ओके, नेक्स्ट है एन एंड क्लाइंबिंग वॉल. ठीक है, वॉल क्या है, 15 feet हाई है इसकी हाइट, एवरी मिनट 1 मिनट है यहाँ पे. ठीक है, इट असेंड्स 2 feet, कोई भी इंसेक्ट है कितना असेंड कर रहा है, 2 feet, बट स्लाइड्स, लेकिन नीचे आ रहा है 6 inches, हाउ मच टाइम विल इट रीच द टॉप. ठीक हो गया, डिफरेंट ऑप्शन इन्होंने दिए हुए, इसको हम पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा. लाइक वॉल उन्होंने क्या बताया, ठीक है जी, वॉल उन्होंने क्या कहा है, 15 feet है, असेंड कर रहा है 2 feet, और स्लाइड उसने कर लिया 6 inches. ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि इसने 1 मिनट में ये इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, 2 feet किया इसने टोटल डिस्टेंस, लेकिन 6 inches क्या हुआ, ये नीचे आ गया. 1 feet में होते हैं 12 inches. ठीक हो गया, अब जो 6 inches क्या होगा, 0.5 feet, 2 feet में से 0.5 feet माइनस हमने किया आ गया 1.5 feet. 1 मिनट में कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है, 15 feet. तो अब हमें ये बताना है कि 15 फीट डिस्टेंस ये कितने मिनट्स में कवर करेगा. तो हम क्या करेंगे, 10 को जब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 10 मिनट्स में कितना ये 15 फीट इसने डिस्टेंस कवर किया है. तो हमारे ऑप्शंस में यहाँ पर है 10 फीट. तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.